हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज बहुत ज़्यादा थका हुआ मैं, लेकिन यार ये वीडियो फाइनली एक मैंने सोचा एक तो बना देते हैं। मेरी हिम्मत बिल्कुल एक वीडियो बनाने की भी नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं, जो चीज़ें हैं, एक जो चीज़ मेन थी वो हम कवर करनी है, जो कि गैरी गेंसलर ने बोला है और SEC की नोटिस आई। बहुत भाई लोग मैसेज कर रहे हैं कि यार उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया और ये सब आ गया। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, 14 तारीख को हमने बोला था भाई, 14 तारीख को, ये वाली तारीख को आपको वार्निंग दी थी इस भयंकर डिप के बारे में। और अभी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, लोएस्ट जो अभी इस डिप में गया, अभी तक का जो गया, वो इस डिप में 39,500 गया था। हमने क्या बोला था, 38,000 का लेवल। तो 38,000 से हम ज़रा सा ऊपर से वापस गए, लेकिन 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 अभी भी हम खतरे से नहीं ऊपर आए, क्योंकि स्टेटमेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं ना। फड क्रिएट होती है इस मोमेंट में, ऐसे टाइम पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है निकलते हैं। तो 39,000 तो हमने टच कर दिया, तो बेसिकली तो आधा तो अपना मकसद पूरा हो गया। थोड़ा सा नीचे का इरादा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से भी ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ से भी रिकवरी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, जब कैंडल में बाइंग प्रेशर पिछली कैंडल से ऊपर जाता है हाफ के, तो इसको हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक, तो सॉरी, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं कहते हम इसको, बुलिश सिनेरियो कहते हैं एक तरह से। और ये जो कैंडल स्टिक है, इसके आगे हम और भी ग्रीन कैंडल्स दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत ये प्रेशर दिखाती है, बट ये कब होगा, जब ये जो कैंडल है क्लोज होती है, कम से कम इसके आधे के ऊपर क्लोज हो। ठीक, तो ऊपर क्लोज हो मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से यहाँ पे एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज हो। अभी तो ऊपर ही की क्लोजिंग लग रही है, जैसे ही ये रात खत्म होगी उससे पहले कोई क्रैश व्रैश ना आए तो अच्छी बात है। तो अगर ये ऊपर क्लोज होती तो हम अगले कैंडल को भी थोड़ा ऊपर की ओर देख सकते हैं, फिर अगली को और ऊपर, फिर थोड़ा बहुत क्रैश करके फिर ऊपर, ऐसे ऐसे छोटा मोटा करके हम लोग ऊपर जाएँ, शायद से ये एक केस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये एक छोटा मोटा आज का ग्रीन हो और इसके बाद हम नीचे आ जाएँ। अच्छा, मैं आपको एक कुछ चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको डॉट एक्यूमुलेट करने को बोला था, 28 तक आया था, आप लोग प्रॉफिट में होंगे। जिन्होंने उठाया था 26 तक आई थिंक डॉट आया था, और अभी 28-29 के आसपास आ गया तुरंत पुल बैक में आज के दिन। तो ये एक अच्छी बात है, आपको जो कॉइन बोले थे डॉट, एवैक्स, एटम, ये सब आप एक्यूमुलेट करा आपने तो अच्छी बात है। मैंने डिप में बोला था बहुत अच्छी परफेक्ट बाइंग दी है, और घबराने की कोई बात नहीं यार। इतना मैसेज बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को कि यार कुछ भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। भाई इधर बहुत सारे काम संभालने पड़ते हैं यार दिन में। तो अभी आया हूँ मैं, फ्री हुआ हूँ लगभग जिम विम करके, तो अभी मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा अपडेट दे देते हैं। और ये टेलीग्राम से जुड़ जाना, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, पहली बार आए हो तो टेलीग्राम से जुड़ना है, वहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ किसी भी तरीके से, और आगे आने वाले टाइम में और तेजी से अपडेट देने वाला हूं। ठीक, कुछ सोच रहा हूं मैं। तो ये हो गया, चलते हैं आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गैरी गेंसलर ने क्या बोला है। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट ऑन अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस, SEC's गेंसलर सेज। तो गैरी गेंसलर SEC के वो हैं, चेयरमैन शायद हैं, और इन्होंने काफ़ी बोला है कि जो कमीशन चेयरमैन हैं, इन्होंने बोला है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को रजिस्टर कर देना चाहिए, इन्हें रेगुलेशंस के हिसाब से चलना चाहिए, अगर कोई भी गलत करेगा तो हम उसको वहाँ पर सजा देंगे। तो कोई नई बात नहीं बोली है भाई, इसमें डरने की कोई बात नहीं, इन्होंने कोई नई बात नहीं बोली। और इन्होंने जो बोला है स्टेबल कॉइन्स को लेकर, कि जो पहले होता था बैंक नोट्स को लेकर, ये सब बातें जो उन्होंने बोली है ना वो गलत है। क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल कॉइन्स जो हैं, स्टेबल कॉइन्स ज़्यादा यहाँ पर अनमैनिपुलेटिव होंगे, रैदर देन आप अगर टेरा के USDC को ले लो, टेरा के, तो उसके इकोसिस्टम में जो USD है ना वो काफ़ी स्टेबल रहेगा और उसका ज़्यादा स्कोप है, यहाँ तक कि जो आपके डिजिटल USD डॉलर होगा उन सबसे। क्योंकि बैंक के पास जो है बहुत सारी ऐसी खामियाँ जो आगे आने वाले टाइम में बैंक्स नहीं पूरा कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। और यहाँ पर जो गेंसलर ने बोला है, वो वहाँ पर गेंसलर बोलते थे क्योंकि वो क्रिप्टो के बहुत बुरा, थोड़ा बहुत बुरे तो नहीं है बट हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर साइड नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन है, तो वो ऐसा क्यों बोलेंगे। ठीक, अपने इन्वेस्टर्स को इधर क्यों बोलें। फिलहाल के उन्होंने ये बोला है कि अलॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत घाटे में जा सकते हैं, तो डराने के लिए काफ़ी इन इसी बात को उनकी कई मीडिया जो न्यूज़पेपर न्यूज़ चलते हैं ऑनलाइन, उन्होंने इसी बात को घुमा फिरा के बहुत बोला है डराने के लिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को। तो आपको डरना नहीं है, आपको मैंने बताया था, देखिए आज की ग्रीन कैंडल भी चल रही है, आपने डॉट और एटम लिया था तो डॉट ने बहुत अच्छी रिकवरी की है, बाकियों के कंपैरिजन में डॉट की रिकवरी
एंट्री मुझे अच्छी लगी और डॉट को एक्वायर करना था आपको। यहाँ पे देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्रीज द क्रिप्टो होल्डिंग्स फॉर द फिफ्थ स्ट्रेट वीक, मतलब पिछले 5 हफ्ते का जो डेटा आया उसमें बताया गया है कि पिछले 5 हफ्ते में टोटल 42 मिलियन आए हैं पिछले वीक में एंडिंग ऑन सेप्टेम्बर 19 विद बिटकॉइन सींग इन्फ्लोज ऑफ $15 मिलियन का इन्फ्लो आया है बिटकॉइन के लिए, और 3.7 मिलियन का शायद यहाँ पर मल्टी एसेट्स में आया है, 6.6 मिलियन का इथेरियम में आया है, सोलाना में 4.8 मिलियन का आया है। तो ये भी एक अच्छा जो साइन है, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं इस डिप को। माइनर्स हैव एक्यूमुलेटेड $600 मिलियन वर्थ का बिटकॉइन, मतलब लगभग समझ सकते हो ना, आधा बिलियन डॉलर का बिटकॉइन इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है। कब से? फरवरी से माइनर्स जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बीच में कुछ माइनर्स चले गए थे, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने वहाँ पर जो चाइना वाले थे जिनको दिक्कत हुई तो उन्होंने अपने बिटकॉइन को बेचे, बट बाद में जो है माइनर्स वो अपने एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को। ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, जब जब माइनर करते हैं एक्यूमुलेट, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे तब खतरा होता है, माइनर जब तक करते हैं तब तक अच्छी बात है। बिटकॉइन ETF कुड बी अप्रूव नेक्स्ट मंथ, सेज ब्लूमबर्ग्स माइक मैक्लोन। माइक मैक्लोन को शायद मे भी बड़े आदमी है, उनको अंदर से खबर मिली है, कहाँ से मिली, उन्होंने कहा अगले महीने तक हो जाना चाहिए अप्रूव। और आपको मालूम नहीं है, मुझे कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स दिख रहे हैं। आप देखो, अक्टूबर में हर जगह हाइप बना हुआ, अक्टूबर की जो है हर बार बिटकॉइन की कैंडल अच्छी रही है, ठीक सितंबर रेड रहा है तो सितंबर इस बार भी रेड रहा, लेकिन अक्टूबर में हमें कहीं ना कहीं एक रीज़न आता हुआ दिख रहा है जो इवेंट्स हैं। देखिए, इस बार का जो बुल रन है वो ये शायद बिटकॉइन का ETF अप्रूवल हो सकता है रीज़न उसका। तो बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाएगा तो आपको मैं बता चुका हूँ, एक वीडियोस बनाई थी क्रिप्टो स्कूल प्लेलिस्ट में, उसमें समझाया बिटकॉइन ETF कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जितने भी रिटेल और जितने भी और इन्वेस्टर्स हैं और आएंगे बिटकॉइन को लेने ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करने। तो ETF अप्रूव हो गया एक बार तो उससे बुलिश न्यूज़ कुछ नहीं होगी इस साल की, तो बिटकॉइन को काफ़ी ऊपर लेके जाएगा। PayPal इंट्रोड्यूसेज कस्टमर्स टू द नेक्स्ट डिजिटल पेमेंट्स एरा विद द न्यू PayPal ऐप। PayPal की एक नई ऐप आई है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज को डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो, सेविंग्स बना सकते हो और भी चीज़ें कर सकते हो। इसमें APY शायद मिल रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये ऐप है और ये यहाँ पर बनाई गई है, और PayPal ने इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है PayPal, वीज़ा, मास्टर कार्ड ये सभी वर्क कर रहे हैं इस पर। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बता रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत अंडर वैल्यूड चल रही है। मैं आपको बताया था कि इस बुल रन, इस मतलब इस जो अभी हम रिकवर कर रहे थे, ऊपर गए थे 50 तक, उस टाइम पीरियड में जो लेग बनेगा या फिर जो फ्लोर बनेगा बिटकॉइन का वो बनेगा $38,000। उससे नीचे बिटकॉइन को जाना ही नहीं चाहिए, मतलब उससे नीचे अगर इस बार तोड़ दिया तो हम बहुत बुरी बियर मार्केट में आ जाएंगे, लंबी 3-4 महीनों की, ठीक। लेकिन 38,000 को अभी तक नहीं तोड़ा है, और 38,000 ये ग्रीन कैंडल ही आज की दिखी हमें, तो इसको हम क्या समझें? इसको हम ये समझ सकते हैं कि 38 अभी मजबूत है, 38 से थोड़ा सा ऊपर ये चला गया वापस उठ के, तो एक अच्छी चीज़ है ये गाइस, ठीक। और यही मुझे आपको बतानी है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बता रहा है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड चल रहा है बिटकॉइन, अंडर वैल्यूड आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो नीचे गिर गया काफ़ी। तो अंडर वैल्यूड क्या होता है कि जब इसकी वैल्यू से जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे कम चली जाती है वैल्यू। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बिल्कुल भी घबराओ नहीं, आपको कॉइन्स बता दिए हैं, डॉट, एटॉम बहुत तेज़ भागेंगे बाद में, सोलाना भी चाहो तो आप एक्यूमुलेट कर लो लॉन्ग रन में, काफ़ी अच्छा, लेकिन फिलहाल के लिए 1-2 महीने के लिए मुझे वो बोरिंग दिखता और लग रहा है। मैटिक एक्यूमुलेट कर लेना, मैटिक ने वैसे भी रन नहीं दिखाई थी, मैटिक अभी भी रन करेगा और काफ़ी प्रोजेक्ट भी उसके एम्बिशियस आ रहे हैं, ठीक। एटॉम, डॉट, मैटिक हो गया आपके लिए, और कोई बताया था मैंने, मुझे याद नहीं, बट जो भी मैंने आपको बताया था वहाँ यहाँ पर बताया था, अपनी टेलीग्राम पोस्ट पर बताए थे, तो आप वहां पर उसमें जाके देख सकते हो कि आपको क्या लेना है, ठीक। आप यहां पर देखना है, ऊपर मैंने भेजा हुआ है, शायद आपको भेजा था, यहां पर मैंने भेजा था, एडा ले सकते हो, एडा भी भूलना मत, एडा ले लेना, और लिंक मत भूलना, लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक की भी अच्छी खासी रन हो सकती है। गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।